ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि ये रेसिपी आपको पूरे नेट पे नहीं मिलेगी। तो अब इसका दिखाएं। मैं लाइट मार रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आज आपको मैं बताऊंगी इजी एंड क्विक रेसिपी कढ़ी पकौड़ा की। और ये कढ़ी पकौड़ा रेसिपी जो है ये हमारे घर की सबकी फेवरेट है और सबको बहुत पसंद है और इसमें पूरा दिन लग जाता है बनाने में। लेकिन आज मैं आपको इसका क्विक वे बताऊंगी कि किस तरीके से हम जल्दी बना सकते हैं और बहुत इजीली बन जाएगी। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये गाइस वेट कर रहे हैं कढ़ी का। हसन आप क्या कर रहे हो? मैं लाइट मार रहा हूँ। पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे। कितना डाल रहे हो? बहुत ज्यादा। और या फिर टू और थ्री, ये टू चम्मच, दिस वन। ओके, दिस आर बिग स्पून। ये थ्री डाल रहे हैं। ओके, बेसन के, बिग स्पून्स। ओके, आप हाई हीट पे क्यों लगा रही हैं इसको? नहीं, मैं इसको जस्ट थोड़ा सा वार्म अप कर रही हूँ, ये गर्म हो जाए तो फिर मैं इसकी हीट मीडियम कर दूंगी और उसके बाद फिर स्लो कर देनी है। फिर इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। तो ये सब भोजन आने के बाद हम क्या करने लगे? तो अगर आपके पास योगर्ट मीठा हो और उसको खट्टा योगर्ट नहीं हो तो उसमें 2 or 3 teaspoon डाल दें इस विनेगर के और उसको पूरी रात रखें सुबह तक, वो बहुत खट्टा हो जाएगा। और खट्टा योगर्ट यूज करें क्योंकि खट्टा योगर्ट कड़ी खट्टी ही अच्छी लगती है। मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि ये गोल्डन ब्राउन हुआ है या नहीं। उसको मैं स्टर करता रहूंगा जब तक ना हो, तो एक्सपेंड होता है इसको, इसलिए जल्दी जल्दी इधर उधर मिक्स करते हैं। कुकिंग विद फज। तो अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है और हम इसमें ऐड करेंगे योगर्ट। और स्टोव हमने बहुत स्लो कर दिया है ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। और इसको कंटिन्यूसली हिलाते जा रहे हैं। ये क्या बन रहा है? कड़ी बन रही है। ये डिफरेंट वे में बन रही है, ट्रेडिशनल वे में नहीं, न्यू स्टाइल में बना रही हूँ, बहुत इजी एंड क्विक वे में। क्या मतलब न्यू स्टाइल? यानी बहुत इजी बन, ये क्विक बन जाती है जल्दी, वरना कड़ी में बहुत टाइम लगता है। इसको योगर्ट में डालकर इसको तो बहुत देर पकाना पड़ता था, लेकिन मैंने इसका जो है वो शॉर्टकट ढूंढा है। तो उसमें ये करते हैं हम इसको फ्राई। आप मम्मा में लगता है वीडियो में बता दीजिए। हाँ। वैसे भी जो है वो मैं इलाज करूंगा। अभी इसमें ये हमने एक का ये पूरा डब्बा जो है योगर्ट का डाल दिया, इतना ही हम इसमें पानी भी डाल देंगे। उनको मामा मेजरमेंट्स बता दें कुछ, क्या मतलब इतना हमने डाला है? ये हमने डाला है ना, तो ये मेजरमेंट ही ऑलमोस्ट बहुत स्मार्ट है। कुकिंग चैनल्स कमिटेड सुसाइड वाचिंग दिस। साफ कर रहा हूँ मामा, क्या हो गया? इसलिए क्योंकि उनका उनको पता है ना कंपटीशन आ गया मार्केट में। बट आपको ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि ये रेसिपी आपको पूरे नेट पे नहीं मिलेगी। किसी भी कुकिंग चैनल पे चले जाएं कहीं ये रेसिपी आपको नहीं मिलेगी। मामा की रेसिपी बहुत यूनिक है। आंटी ने इसका पेटेंट ले लिया। ये हमने पानी भी ऐड कर दिया है इसमें और अब हम इसको 10 मिनट तक या 15 मिनट तक पकाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट है, हल्दी है, जीरा है
और प्याज, एक बड़ा प्याज कटा हुआ है, दो टेबल स्पून रेड चिली। तो इसमें हम हल्दी ऐड कर देंगे, ये 5 से 6 चिलीज हैं जो हम इसमें डाल रहे हैं। इसके साथ ही कुक होंगी और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अभी हम तड़का बनाने लगे हैं इसका। सबसे पहले प्याज डालेंगे, और आपको मैं एक टिप बताती हूँ कि अगर आपने प्याज को जल्दी फ्राई करना है यानी गोल्डन करना है तो इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें तो जो ऑनियन है वो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगे। ऑनियन जो है ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। चिली पेपर डालेंगे, चिली पेपर डालेंगे इसमें, ये 2 टेबल स्पून है। अच्छा, अभी हम इसमें जीरा डालेंगे 1 टेबल स्पून। ये किस दुनिया में 1 टेबल स्पून का मतलब क्या मतलब? आधा आपने प्लेट डाला। मुझे कुकिंग का कुछ पता है नहीं। आपने, सॉरी मॉम, आपने तो मेरा ख्याल में 1 दिन कुकिंग की है। करता हूँ कुकिंग में। करते हो? बर्तन धोते हो? अब तो डिशवॉशर आ गए हैं भाई, क्या हो गया। तो अब क्या फेवरेट बना लेते हो, जैसे सबसे स्पेशल डिश? अंडा, फ्राइड अंडा टोस्ट के साथ एंड नूडल्स। नूडल्स हाँ, बॉईल करके नहीं, वो माइक्रोवेव। बस बेसिक आ गई हैं, अब आगे कुकिंग आपको आ जाएगी। ये हमारा तिड़का रेडी हो चुका है। आप पकौड़े डालना पसंद करोगे या तिड़का? आप क्या डालना पसंद करोगे? तो इजी चॉइस। तो मैं ये तिड़का डालती हूँ इसमें। आज आपको लगता है बहुत ज्यादा कुकिंग करते हो, आप तो लेडीज की तरह उसमें मसाला उतार उतार के डाल रहे हो। वाह। तो अब फाज इसमें डालेगा पकौड़े। लुक 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 फाज हाथ धोए थे। लुक 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 सैनिटाइज किए। लुक 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 Yep. तो अब इसका दिखाएं। ये तो ऑरेंज चिकन लग गई है। पकौड़ा, करी पकौड़ा रेडी हो चुकी है। करी पकौड़ा रेडी हो चुकी है। ये चुकी है, ये चुका है। और लेट्स गो बन गई है। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? जबरदस्त हसन उसने खाई है। फाज आपने खाई है? हाँ जी, मस्त, बिल्कुल अमेजिंग। अमेजिंग, लाइक इट? आई लव इट। कोई नीचे की नजरें कर कर के खाए जा रहा है बस। हसन बेहतरीन है आंटी, बेहतरीन बन गई आपकी, जबरदस्त। अच्छे लोग हमेशा अल्लाह के दिए हुए तहाइफ या गिफ्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे होंठों पे सच, अल्फाज में दुआ, चेहरे पे मुस्कुराहट, आंखों में हमदर्दी और हाथों से खिदमत। या अल्लाह तो हमें ऐसा ही बनने की तौफीक दे, आमीन। तो गिव अवे के लिए क्या करना है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, आमना ताहिर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना है, और जैसे आप नॉर्मली कमेंट करते हैं वैसे ही कमेंट करें। उन कमेंट्स में से फिर हम चूज करेंगे लकी विनर को, और जिसको YouTube की स्टोरी में शाउट आउट देना है उस विनर को, और इस विनर्स की अनाउंसमेंट की जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। 100,000 सब्सक्राइबर के लिए जो सेलिब्रेशन की है उसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूंगी, तो उसमें इसकी अनाउंसमेंट की जाएगी। और इंस्टा पर भी मैं पोस्ट लगाऊंगी, तो उसमें से भी जिसको शाउट आउट देना है उस लकी विनर का चूज किया जाएगा। और जो मैं पोस्ट लगाऊंगी सेलिब्रेशन वीडियो की वहां पे, तो उसमें मैं उसकी अनाउंसमेंट करूंगी कि किसको
वो शाउट आउट दिया गया है। ये तो थी सारी गिव अवे की डिटेल, तो सो आप गेट रेडी हो जाएं विन करने के लिए। आर यू एक्साइटेड?